पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे तो मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में तो आए लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था, बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ, कोई नहीं जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए, अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बाहर बोले थे। नहीं आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। अरे अरे बैठिए, आपको मौका मिलेगा माननीय सदस्य, बैठ जाइए, मौका मिलेगा आपको, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए आप, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा अच्छा से बोलिएगा, बैठिए। अरे कोनो नया बात बोलिए ना, वो हट गए तो हमने उनको बोल दिया, तो वो साथ आ गए तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले गए तो हमने बुराई कर दिया, तो कौन नहीं करता, सब तो कर ही रहा है, अरे कौन नहीं कर रहा है, इसमें नया बात क्या बोल रहे हैं? हम तो चिंता की बात रख कर रहे हैं कि आपको अगर सही में चिंता है तो बगल में कमरा लेकर के ठीक से दवाई कीजिए, नहीं है तो आपका ये कह रहे आज इसमें कोई बुरा बात लगने वाला बात नहीं है, हम तो छोटे हैं, बड़ा आपका हृदय है, इतने बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक है, बच्चा कोनो गलती करता है तो क्षमा कर देना चाहिए, दिल बड़ा रखिए, तो इसमें नहीं कहना, अब हमको तो बच्चे ना बोल रहे थे, अब कंक्लूड कीजिए माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, आज ही तो मौका मिला है ना, आज ही ना मौका मिला, इसके बाद तो हम जनता के बीच है, जो हमारी मालिक है जनता, सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, क्योंकि भाजपा का शायद स्पीकर है आने वाला जो भी होगा, तो सदन कैसे चलेगा तो हमको पता है, तो कोई मतलब नहीं, हम तो जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे जनता के बीच रहेंगे, तो उसकी हमको कोई चिंता नहीं।